आज मैं बताने जा रही हूँ आपको साइड कटिंग, जेंट्स साइड कटिंग। सबसे पहले नाप जान लेते हैं। साइड के लिए चाहिए हमें 2.25 मीटर कपड़ा, तो पहले समझ लेते हैं नाप इसका। तो अब शुरू करते हैं कटिंग। को इस तरह फैला के कपड़े को यहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं सीना 13 इंच, इसकी लंबाई इसकी 28 इंच। तो हम इसको बढ़ा के काटेंगे, इसको काटेंगे 30 इंच। इसको बढ़ा के काटते हैं, इधर मोड़ने के लिए इसको 1.5 इंच छोड़ देते हैं। 28.5 पे इधर निशान लगाएंगे। यहाँ से बटन पट्टी के लिए लगाएंगे 1.5 इंच पहला। यहाँ से रखेंगे 12.5 इंच, 21 का आधा 10.5। यहाँ 10.5 पे निशान लगाते हैं। आधा इंच इसको दबाने के लिए हम लगाएंगे 22 इंच फिनिश। 11 पे निशान लगाया। गला लेते हैं इसका 2.75 का। यहाँ से 2.5 इंच का, यहाँ से गले में इस तरह गुलाई देते हैं। इसको 1.5 इंच यहाँ से घटाते हैं। फुल साइज के लिए हम 2 इंच घटा देते हैं। यहाँ से मुड्ढा के लिए लेते हैं 8 इंच। यहाँ से 1 इंच इसको और बढ़ा देते हैं। यहाँ से इसको इस तरह मिला देंगे। इस तरह मिलाने के बाद यहाँ से गुलाई देंगे, इस तरह इसको गुलाई दे देंगे। इस लाइन को हम सीधा कर देते हैं इस तरह। इसको काटना शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे इस तरह। निशान से सीधा मिलाते हुए इसको इस तरह काट देंगे। यहाँ पे हल्का सा कट लगा देंगे, इसकी सीध में यहाँ पे भी एक कट लगा देंगे। इसको अंदर मोड़ना है इस तरह। इस पे नाखून से हम अच्छे से इसको दबा देते हैं। ये तैयार है आपके आगे के पल्लर दोनों। अब हम काटेंगे पीछे का पल्लर। इसी को रख के हम इस तरह रखेंगे। पीछे के पल्लर को हम आधा इंच छोटा रखेंगे, आगे का आधा इंच बढ़ा देंगे। अब हम पीछे के पल्लर के लिए आगे के पल्लर से 2 इंच घटाना इस तरह।
अब निकालेंगे हम इसका तीरा यहाँ से। अब काटेंगे हम यहाँ से तीरा। तो इस तरह कपड़े को फोल्ड किया, जैसे शोल्डर था हमारा 21 का आधा हुआ 10.5, आधा इंच बढ़ा के लेंगे तो इसको 11 इंच रखें। 11 इंच रखा, यहाँ से लंबाई लेंगे इसकी 7 इंच। 7 इंच इसका गला लिया 2.5 इंच, गुलाई देंगे यहाँ से 1.5 इंच घटाते हैं। इसको इस तरह मिला देंगे, इसको इस तरह मिलाते हुए यहाँ से इसको हल्का सा गुलाई दे देंगे। इस तरह हमारे तीरा यहाँ पे फिट होगा। तो आगे पीछे की साइड कट के तैयार है। अब काटेंगे आस्तीन, अब काटेंगे हम आस्तीन। तो इस तरह इसको फोल्ड किया, फिर एक बार और कर देते हैं इसको, इसको पुर्त लगा के इस तरह काटेंगे। जैसे आस्तीन है हमारी 24 इंच, 24 से तो हम इसको काटेंगे 22.5 इंच से काटेंगे तो आधा इंच हमारा इधर दबेगा, आधा इंच इधर बचेगा 21 इंच। फिर हम इसमें कप लगाएंगे और यहाँ से 2.5 इंच घटा देते हैं इस तरह, इसको इस तरह इधर मिला देते हैं। एक बार इधर से इसकी लंबाई देखते हैं, 19.5 यहाँ से रखेंगे इसको, इस तरह इसको इस तरह नाप लेंगे 10। आगे नीचे यहाँ पे दबाएंगे 9.5 तैयार। इस तरह 1 इंच का हम इधर फासला देंगे, इसको यहाँ से 1 इंच और घटा देंगे। यहाँ से 1 इंच इसको घटा दिए, अब इसको इस तरह रखेंगे। इसको इस तरह के रखने के बाद यहाँ से 1.5 इंच यहाँ पे छोड़ेंगे, 1.5 इंच इसको छोड़ने के बाद हम यहाँ पे कट लगाएंगे, यहाँ से इसको छोड़ेंगे इस तरह और इसको अच्छे से इसे नाखून लगा के निशान लगाएंगे। इधर इसको 4.5 इंच का दो पुर्त पकड़ेंगे इस तरह, दो पुर्त में इस तरह कट लगाना है इसको, को कट यूं लगा देना है हल्का सा। ये हुआ हमारा शर्ट का कट। ये हमारी शर्ट कट चुकी है पूरा, यह साइड की कटिंग सबसे सीधा और सरल तरीका। अब बताती हूँ मैं आपको कप और कॉलर।
18 है तो हम इसकी लंबाई रखेंगे 9। सवा इंच का यहाँ से रखेंगे, यहाँ से इस तरह हम इसको सीधा निशान लगा लेते हैं। फिर इसमें कॉलर का शेप देना है, तो ऐसा इस तरह देना है, हल्का सा ऐसे। यहाँ से रखेंगे अब हम इसको 8 इंच का, 8 पे निशान लगाया। इधर से रखेंगे 3 इंच का और इधर से रखेंगे 2.5 इंच का इस तरह। अब इस पटरी से हम सीध मिला लेंगे इस तरह, इस तरह हम इसको सीध मिला देंगे। तो बड़ा सीधा है कॉलर का कटिंग इस तरह। इसको इस तरह पूरा निकाल दिया। इस तरह इसको निकाल दिया कि कॉलर कट गई है। इसको यहाँ से शेप देना है, थोड़ा इस तरह इसको मिलाना है। इसको अच्छे से पकड़ के इस तरह हम इसको मिला देंगे। कॉलर तैयार है। इसको हम थोड़ा इस तरह काट के इस तरह हम इसको चिपका देंगे इधर मिला के, जिससे कॉलर हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो एक कॉलर कटिंग हो गई। अब बताती हूँ आपको कप काटेंगे हम 9.5 इंच के, 9.5 पे लगाया निशान, 2.5 इंच रखेंगे इस इधर और इसको सीधा करेंगे इस तरह। हम इसको खोल देंगे। ये हमारे दोनों कप कट के तैयार है। ये दो कप कट गए हैं, एक कॉलर तैयार है, शर्ट की कटिंग पूरी तैयार है। अब इसको सिलना बताएंगे हम दूसरे वीडियो में। हमारा जो कपड़ा बचा है उसको हम बकरम इसमें लगाएंगे, बकरम को इसमें चिपकाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए आपको बता दी है साइड कटिंग। तो ये था साइड का कटिंग, सबसे सीधा और सरल तरीका। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको मेरा वीडियो पहुंचता रहेगा और आप कुछ नया सीखते रहेंगे।